गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर प्रमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि के बारे में पढ़ेंगे। एमएलएसयू द्वारा सत्र 2018 में आयोजित परीक्षा के अंतर्गत इस प्रश्न को पूछा गया था, जिसका व्यू आपके सामने है। इस प्रश्न पत्र के पार्ट सी में प्रश्न पूछा गया कि प्रयोजना विधि से आप क्या समझते हैं और इस विधि के गुण दोषों की चर्चा कीजिए। What do you understand by project method? Discuss merit and demerit. आज इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट विधि पर डिटेल में स्टडी करेंगे, तो कैरी ऑन। प्रोजेक्ट मेथड अर्थात परियोजना विधि, इस विधि के प्रतिपादक किल पैट्रिक है, जो जॉन डीवी की विचारधारा से प्रभावित थे। किल पैट्रिक ने जॉन डीवी की इसी व्यवहारवादी विचारधारा को एक विधि के रूप में प्रतिपादित किया, जिसका नाम है प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि। इस विधि में बालकों को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर उन समूह को अपनी स्वेच्छा अनुसार किसी एक समस्या पर प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, और यह समस्या बालकों के वास्तविक जीवन से संबंधित होती है, जिसका हल खोजने का प्रयास बालक इस विधि के अंतर्गत करते हैं। इस विधि में बालक किसी भी वास्तविक समस्या को अपने सामाजिक वातावरण में पूर्ण करता है, क्योंकि इसमें किसी समस्या का चयन बालक स्वयं करता है और अपनी रुचि के अनुसार करता है, तो उस कार्य को करने में उसे प्रसन्नता की अनुभूति होती है। अब है आगे प्रोजेक्ट विधि की परिभाषाएं। प्रोजेक्ट विधि की परिभाषा में किल पैट्रिक ने कहा है कि हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं, बल्कि उस उत्तम जीवन में जिसकी हम आशा करते हैं। अर्थात किल पैट्रिक ने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो बालकों के जीवन में गहराई से उतरे, केवल सैद्धांतिक पाठ्यक्रम ही नहीं, बल्कि उसका सामाजिक जीवन में प्रयोगात्मक रूप भी हमें दिखाई दे। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ने का कार्य किया। दूसरी परिभाषा स्टीवेंसन ने दी है कि प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक मूलक कार्य है जो स्वभाव की स्थिति में पूरा किया जाता है, यानी विद्यालय के अंदर जो बालकों को प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, वह बालक अपने घर परिवार या पड़ोस या समाज के अंदर उस कार्य को पूर्ण करते हैं और अपनी प्रोजेक्ट से संबंधित समस्याओं का हल करते हैं। तीसरी परिभाषा बैलार्ड के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रोजेक्ट मेथड की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें यह सीखने के नियम पर आधारित है, जिसमें थॉर्नडाइक ने जो तीन नियम दिए थे अपने अधिगम से संबंधित, कि तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम ही इस प्रोजेक्ट विधि में परिलक्षित होते हैं। इसका दूसरी विशेषता है कि इसमें सामूहिक अंतःक्रिया तथा सहयोग को बढ़ावा मिलता है। चूँकि कोई भी प्रोजेक्ट कार्य बालकों को समूह में दिया जाता है और उन्हें आपस में मिलकर ही उस समस्या का समाधान करना पड़ता है, इसलिए उसमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करने के कारण यह लोकतांत्रिक विधि भी है, जो अधिगम को सीखने के लिए प्रेरित करती है। इसमें परिश्रम की मर्यादाओं का विकास किया जाता है, यानी अनुशासित रूप से रहकर अपनी समस्याओं का समाधान कर प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया जाता है। इसमें अन्य विषयों के साथ सहसंबंध भी स्थापित करने का अवसर मिलता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट कार्य एक विषय से अंतर्गत न होकर वह कई विषयों से संबंधित हो सकता है, इसलिए यह अंतर अनुशासनात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें बालक स्वयं अपनी रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट चुनते हैं तो प्रसन्नता का अनुभव होता है। समस्या का समाधान व्यवहारिक रूप से किया जाता है, इससे बालकों में रचनात्मक और सृजनात्मक क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है और बालकों की मानसिक परिधि को ध्यान में रखकर ही शिक्षक उसे प्रोजेक्ट कार्य देता। इसके पश्चात है प्रोजेक्ट विधि की प्रकृति। यह प्रोजेक्ट विधि जॉन डीवी के व्यवहारवाद पर आधारित है। इन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन के लिए और जीवन द्वारा दी जानी चाहिए, अर्थात पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि ज्ञान ऐसा हो जो समाज में रहकर समाज के आदर्शों, समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो, और इसलिए विद्यालय भी समाज का ही एक लघु रूप है, तो समाज के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने संबंधी कार्य विद्यालय में सिखाए जाने चाहिए, और यही शिक्षा है।
उन्होंने स्कूल और घर की खाई को पाटने का कार्य किया। इसमें छोटे छोटे समूह में विभाजित करके परियोजना को बांटा गया, अर्थात किसी समस्या के छोटे छोटे खंड करके प्रत्येक समूह को एक एक समस्या का पार्ट दिया गया और उस समस्या पर बालक स्वयं की रुचि के अनुसार उस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करके अपने समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार यह विधि सहकारिता के भावना के विकास पर भी आधारित है। सभी बालक आपस में मिलजुल के कार्य करते हैं। इसमें उन्होंने 3 सिद्धांतों का विवरण दिया, करके सीखना, क्योंकि बालक स्वयं करके सीखते हैं, और जीवन से सीखते हैं, क्योंकि समस्या सामाजिक जीवन से संबंधित होती है, इसलिए समाज के विभिन्न व्यक्तियों का सहयोग द्वारा परियोजना को पूरा किया जाता है। साथ ही यह सहयोग और सहचर्य द्वारा सीखने पर भी बल देती है। प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत। प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, रोचकता का सिद्धांत, अर्थात इसमें समस्या बालक स्वयं चुनते हैं और बालक अपने मानसिक कार्य की क्षमता के आधार पर अपनी समस्या को चुनते हैं, तो स्वयं द्वारा चुनी गई समस्या को समाधान करने के लिए उनमें रोचकता बनी रहती है। इसका दूसरा है, प्रोजेक्ट उद्देश्यपूर्ण होता है, अर्थात विद्यालय में द्वारा दिया गया कोई भी प्रोजेक्ट कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। यह इसलिए कहा जा सकता है कि प्रोजेक्ट विधि उद्देश्यपूर्ण विधि है, जो पर्टिकुलर उस विषय के उद्देश्यों को पूर्ण करती है। तीसरा है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें बालकों को सक्रिय रूप से कार्य करते हुए अपने प्रोजेक्ट से संबंधित समस्या का समाधान करना पड़ता है। इसमें किसी विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करना, किसी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करना या किसी संस्था की कार्यप्रणाली को समझना, इस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं तो विद्यार्थी उसमें संलग्न रहकर सक्रिय रूप से उस कार्य को करते हैं। चौथा है, वास्तविकता सिद्धांत। इसमें बालकों के वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं को समाधान करने हेतु उन्हें वास्तविक प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं, ताकि वह उन स्थानों पर जा कर के विषय वस्तु की वास्तविकता और यथार्थता को समझ सके। पांचवा है, स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें शिक्षक समस्या से संबंधित विभिन्न पदों को विद्यार्थी समूह में बांट देता है और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान कर स्वतंत्रतापूर्वक समस्या का समाधान करने की छूट देता है। नेक्स्ट है इसमें, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। चूँकि शिक्षक को पता होता है उसकी क्लास में किस प्रकार के विद्यार्थी उपस्थित है और उनकी मानसिक योग्यता, कार्य क्षमता और कार्य कुशलता को देखते हुए ही उसमें प्रोजेक्ट संबंधी कार्य प्रदान किए जाते हैं। इसलिए इसमें बालकों की रुचि, आयु, आदतें आदि सभी का ध्यान रखा जाता है। इसके पश्चात है, उपयोगिता का सिद्धांत। प्रोजेक्ट कार्य ऐसा दिया जाता है जो बालकों के भावी जीवन से संबंधित हो और यह प्रोजेक्ट कार्य बालकों के वास्तविक जीवन से संबंधित होता है, इसलिए भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने की कुशलता का विकास करता है। इसलिए यह प्रोजेक्ट विधि उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित है। इसके पश्चात है इसका आठवां सिद्धांत, सामाजिकता। अर्थात इस विधि में बालक समूह में परस्पर सहयोग और शिक्षक के मार्गदर्शन द्वारा कार्य करते हैं, तो शिक्षक के प्रति पूर्ण निष्ठा, आदर भाव, सम्मान की भावना रहती है। साथ ही सहपाठी जो बालक हैं उनके प्रति भी सहयोग की भावना का विकास होता है। अतः इस विधि से बालकों में सामाजिकता के गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है, परियोजना विधि के पद या सोपान, स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। इसमें पहला है, परिस्थिति प्रदान करना, प्रोवाइड सिचुएशन। अर्थात इसमें समस्या से संबंधित कुछ परिस्थितियां बालकों के समक्ष उपस्थित की जाती है और शिक्षक और छात्र दोनों ही वार्ताओं के द्वारा इस समस्या को समाधान करने हेतु समस्या का चयन करते हैं और विद्यार्थी अपनी योग्यता के अनुसार अनुकूल प्रोजेक्ट का चयन करता है। इसके पश्चात इसका दूसरा स्टेप है, चयन तथा उद्देश्य। समस्या का चयन करने के पश्चात समस्या के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और समस्या का चयन करते समय शिक्षक ये नहीं करे कि वह अपनी द्वारा मनचाही समस्या को बालकों पर लाद दे, जो कि बालक पूर्ण करने में असमर्थ हो। इस प्रकार से वह उद्देश्यपूर्ण परियोजना विधि नहीं होगी और वह प्रोजेक्ट सफल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अध्यापक को केवल बालकों की स्वेच्छा और स्वीकृति के अनुसार उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए ही प्रोजेक्ट कार्य देना चाहिए और यह प्रोजेक्ट कार्य उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए।
इसके पश्चात है प्लानिंग, अर्थात किस प्रकार से प्रोजेक्ट कार्य हम करेंगे। इसके लिए आरंभिक दौर से ही शिक्षक को प्रोजेक्ट से संबंधित 3 या 4 या 2 या 3 जितने भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं उतने प्रोजेक्ट के विषय पहले से ही पूर्व में प्लानिंग करके निर्धारित करने चाहिए। बाद में उन प्रोजेक्ट को विद्यार्थियों के समक्ष बताएं और विद्यार्थियों को उनकी स्वेच्छा के अनुसार वो प्रोजेक्ट नोट करने दें और इसके पश्चात बालकों को उस प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य को उनकी नोटबुक में भी नोट करवाएं और अध्यापक समय समय पर इस योजना के प्लानिंग के समय बालकों का मार्गदर्शन भी करें। इससे बालकों में सहकारिता की भावना का विकास भी होता है। इसके बाद चौथा स्टेप है योजना का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें बालक अपनी रुचि और योग्यताओं के अनुसार कार्य को आपस में बांट लेते हैं, अर्थात आपस में निर्धारित कर लेते हैं कि ये कार्य ये स्टूडेंट करेगा, ये कार्य ये स्टूडेंट करेगा। और इसमें अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बालकों को उनकी योग्यता के अनुसार उचित कार्य सौंपने का कार्य बेसिकली शिक्षक द्वारा किया जाता है और विद्यार्थी तथा बालक दोनों ही धैर्यपूर्वक इस योजना का क्रियान्वयन करते हैं। और इस स्टेप के दौरान बीच बीच में अध्यापक बालकों का मार्गदर्शन भी करता रहता है और समय समय पर उन बालकों को निर्देश भी जारी करता है। इसका फिफ्थ पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इस प्रोजेक्ट विधि में। इसमें प्रोजेक्ट पूर्ण होने के पश्चात प्रोजेक्ट के अंदर रही हुई कमियों को बालकों को नोट करने के लिए कहा जाता है और साथ ही बालक को अध्यापक यह दिशा निर्देश देते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में अपने अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों लिखें, अर्थात अध्यापक आलोचनात्मक दृष्टिकोण द्वारा बालकों को स्वयं अपनी आलोचना करने के लिए प्रेरित करता है ताकि भावी प्रोजेक्ट कार्य में वह इन गलतियों को ना दोहरा सके। इसके पश्चात है 6 पॉइंट रिकॉर्ड करना। इसमें परियोजना के सभी पदों को जैसे योजना, नियम, उद्देश्य, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, विद्यार्थियों को जो जो भी ड्यूटी दी गई है, इसके साथ ही प्रोजेक्ट के संदर्भ में जो जो भी प्रयोग में लाई गई पुस्तकें, चार्ट्स, मॉडल, मानचित्र या एक्सेक्टर जो भी चीज़ें सहायक सामग्री के रूप में इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए ली गई है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। इस प्रकार प्रोजेक्ट विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और इससे बालकों में करके सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण ये मनोवैज्ञानिक विधि भी है। तो कुछ विषय वस्तु को हम इस विधि से पढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात है अच्छी परियोजना के गुण, क्वालिटी ऑफ ए गुड प्रोजेक्ट। इसमें है जो भी हम परियोजना बनाए वो उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, साथ ही ऐसे कार्य बच्चों को दिए जाए जिससे कार्य करके वह संतुष्टता की अनुभूति कर सकें और अपने जीवन के अनुभवों का लाभ उठा सकें। साथ ही प्रोजेक्ट में सदैव बालकों को क्रियाशीलता के अवसर प्रदान करें। अच्छी प्रोजेक्ट विधि बालकों को सदैव क्रियाशील रखेगी, उनको शारीरिक और मानसिक रूप से किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखते हुए प्रोत्साहित भी करेगी। यह अध्यापक और शिक्षक दोनों को क्रियाशील रखती है और इसमें समय और धन की बचत हो। इस प्रकार के प्रोजेक्ट विधि होती है जिसमें प्रोजेक्ट कम समय में पूर्ण हो और उसमें ज़्यादा खर्चा भी ना आए, यह समुदाय की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। साथ ही बालकों को ऐसे कार्य दें जो चुनौतीपूर्ण हो और अधिकाधिक कार्य करने के अवसर उस प्रोजेक्ट कार्य में बालकों को मिले। लास्ट में कार्य उपलब्धि योग्य अर्थात अटेंटेबल होना चाहिए। कार्य ऐसा ना दिया जाए शिक्षक के द्वारा जिसे बालक पूर्ण ना कर सके, जिसकी प्राप्ति ना कर सके या जो प्रोजेक्ट सफल ना हो सके। बालकों के कर्मठता, उनके कार्य करने की योग्यता, क्षमता के आधार पर प्रोजेक्ट दिया जाए तभी वह प्रोजेक्ट सफल होगा और उस प्रोजेक्ट के द्वारा बालकों के अधिगम में वृद्धि होगी और वह प्रोजेक्ट सफल होगा। इसके पश्चात है प्रोजेक्ट विधि के दोष। इसमें पहला है इसमें कार्य की अधिकता होती है क्योंकि कार्य को पूर्ण करने के लिए एक से अधिक कई कार्यों का संपादन साथ में उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है। साथ ही यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि बालकों को स्वनिर्णय और स्व क्षमता के आधार पर इस कार्य को पूरा करना पड़ता है, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है और उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें संदर्भ सामग्री का अभाव है। प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करने के लिए पुस्तकें, संसाधन, सहायक सामग्री, मॉडल, चार्ट, इन सब की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विद्यालयों की पुस्तकालयों में या प्रयोगशालाओं का में इस प्रकार की सामग्री का अभाव रहता है।
यह विधि अधिक खर्चीली विधि है क्योंकि इसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर इस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करना होता है, तो इसमें खर्चा भी लगता है। साथ ही प्रयोगशालाओं को व्यवस्थित रखने और प्रोजेक्ट से संबंधित संसाधनों को जुटाने में, अर्थात प्रयोगशाला को सुसज्जित रखने में काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। प्रयोग कार्य हेतु कौशलों के अभ्यास का अभाव होता है, यानी जो प्रोजेक्ट कार्य है उसके सोपानों को हम पहले से ही पूर्वाभ्यास नहीं करा सकते और उनके संबंधी जो ट्रेनिंग है वह शिक्षक नहीं देता, डायरेक्ट उन्हें प्रोजेक्ट ही सौंप देता है कि आपको ये प्रोजेक्ट करके लाना है। इसमें प्रकरणों को विभिन्न विषयों से सहसंबंधित करके पढ़ाने में भी दिक्कत होती है। साथ ही इसमें प्रोजेक्ट कार्य में क्रमबद्धता का अभाव है। पर्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा और किसी दूसरे अध्याय से संबंधित कोई एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। इस प्रकार से इनमें पाठों में आपस में तालमेल का अभाव पाया जाता है। यह प्रोजेक्ट विधि के दोष में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें समय सारणी का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि जब तक बच्चा एक प्रोजेक्ट कार्य ना कर ले तब तक उसे दूसरा प्रोजेक्ट कार्य नहीं दिया जाता। तो समय सारणी के अनुसार जो विद्यालय शिक्षण कार्य की गतिविधियां होती है वह सब समाप्त प्राय हो जाती है। इस परियोजनाओं पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है कि परियोजना किस प्रकार से करनी चाहिए, और सारे टेक्स्ट मटेरियल जो पाठ्यचर्या में उल्लेखित है, चाहे वो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा प्रस्तावित किताबें हों, चाहे वो NCERT की किताबें हों, उनमें प्रोजेक्ट संबंधी गतिविधियों का उल्लेख है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से किया जाए इन सब का अभाव पाया जाता है। ये पूर्व में बता दिया गया कि ये निम्न कक्षाओं के लिए ही उपयोगी है, और इस प्रोजेक्ट के आधार पर अगर हम पाठ्यक्रम को पूर्ण करना चाहें समय पर तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में भी काफ़ी समय लगता है। इस प्रकार ये समय की दृष्टि से मितवई नहीं है। अब आपको इससे संबंधित गृह कार्य दिया जाता है कि प्रोजेक्ट विधि के सोपान, विशेषता, गुण व दोषों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्टेप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अब मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोजेक्ट कार्य आपके लिए उपयोगी होगा और आप पूर्ण रूप से मन लगा करके अपने होमवर्क को कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट मेथड है, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। थैंक यू।